वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो गाइस? और अब तो सावन का महीना चल रहा है जिसमें महादेव के बहुत ही सारे भक्त हैं, और अब हम लोग महादेव का फ़ोटो एक एडिट करने वाले हैं जिसमें आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता होगा और आपको भी बनाने का बहुत ही मन होगा। तो चलिए हम लोग बैकग्राउंड को ले लेते हैं और इस बैकग्राउंड पर अपना फ़ोटो बिठा के दिखाते हैं, और हम लोग एक PNG बना लेंगे। और PNG बनाने नहीं आता होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम अगले वीडियो पर PNG बना दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसा ही न्यू वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। और इस तरह का स्क्रीन एक ले लेंगे वॉलपेपर, और इसको ब्लेंडिंग मोड में जाके स्क्रीन कर देंगे। इसको हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, उस पर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए, और इसको हम लोग जाएंगे अवर स्टिकर में और महादेव स्टिकर मारेंगे, वो एक फॉन्ट आ जाएगा, और उस फॉन्ट को आपको सेट करना है। दिखाते हैं कैसे सेट करना है, और उसको सेट करके उसके बाद इसको अच्छी तरीके से आप सेट कर लीजिए। अच्छी तरीके से सेट कर लिए, आप इसको फिर से जाएंगे स्टिकर पे और फिर से एक फाउंड लेंगे ताकि माथे पे चंदन का एक स्टिकर लेंगे और इसको ले लेंगे। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे और अपने साइज़ के हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा। अगर आपको मिटाना पड़ेगा कहीं पे तो इस साइड पे मिटोनी है जिसको आप इससे मिटा सकते हैं, और अब इसको हम लोग अच्छे से सेट कर लिए। और सेट करने के बाद अब हम लोग जाएंगे इसको आई पे, ताकि हम लोग को आई अच्छा नहीं लगे। आपका जैसा इच्छा, आपको अगर आई आपका पसंद नहीं है तो इस पर आई लगा सकते हैं, और हम इसको दूसरा कलर रखेंगे। तो इसको हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, और आप इसको जिस तरह हम कर रहे हैं उस तरह सेट कर लीजिएगा, और वीडियो स्किप किए बिना आप इतना देर तक हमारे साथ बने, इसके लिए थैंक्स। और अगर आपको स्मूथ करना नहीं आता होगा तो एक पीछे वीडियो है इससे पहले, उस वीडियो का आप ज़रूर देखें ताकि आपको स्मूथ करने का ट्यूटोरियल पता चल जाए। और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे न्यू अपडेट आपके पास जाते रहें। तो गाइस बस इतना ही, और देख सकते हैं फ़ोटो हमारा बनके तैयार हो गया, और कैसा है फ़ोटो, और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर।